आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम डिफरेंट सी डिश। आई थिंक यूट्यूब पे कभी आपने देखी ही नहीं होगी। ये मेरी ही इनोवेटिव कीवी डिश है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिए। हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ कि ये 1 किलो 1.5 किलो के करीब चिकन है विथ बोन्स, ठीक है। ये खड़े मसाले हैं, इसमें 1 मोटी इलायची, 2-3 लौंग और 1 बादियान का फूल, स्टार एनिस जिसे भी कहते हैं, और ये 1/2 टीस्पून ग्रीन कार्डमम पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये 10 से 12 बादाम सोक्ड, ये मस्टर्ड ऑयल है 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, एंड ये आपको दिखेगा नहीं, मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये रोज वाटर है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑफ अदरक लहसुन पेस्ट, एंड ये जो मेन चीज़ है, आप एक बार मैं बड़े आराम से बता देती हूँ ये क्या है। ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे जिसको मैंने टमाटर के साथ और 2 हरी मिर्च के साथ पीस लिए हैं। इसको आपको पीसना कैसे, इसमें कोई आपने पानी नहीं डालना, और इसमें आपको 2 बड़े प्याज लेने हैं, उसी में 3 टमाटर डालने और 2 हरी मिर्च डालनी, और विदाउट वाटर आपको इसको ऐसे पेस्ट बना लेना है। चलिए अभी ये डिश का मैरिनेशन करते हैं हम लोग। इसमें हम सबसे पहले ये मस्टर्ड ऑयल जो मैंने बताया था 2 टेबलस्पून ये डालेंगे, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा और डाल दीजिए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें ये 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, थोड़ा सा और बस 1.5 सोच लीजिए, एंड ये है कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। ये है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और ये जो मैंने आपको 1 टीस्पून रोज वाटर दिखाया था ये इसको ऐसे ही डाल दीजिए, ठीक है। और इसमें ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये जाएगी इसके अंदर, ये आप 2 टीस्पून ले लीजिए, ठीक है। और ये 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन कार्डमम पाउडर। अभी हम ये सब सूखे मसाले ऐसे ही डाल देंगे, 1 ब्लैक पेपर पाउडर, 2-3 ये लौंग, एंड 1 बादियान का फूल विच इज स्टार एनिस। चलिए अभी मैं इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके आपको बताती हूँ। मैंने अपने हैंड्स बहुत अच्छे से वॉश कर लिए थे, इसको हम देसी स्टाइल से बना रहे हैं तो देसी स्टाइल से ही मिक्स करेंगे। और दूसरी बात मैं चलिए अभी आपको बता देती हूँ इस डिश का नाम क्या है। एनी गेसेस? चलिए देखते हैं, कमेंट्स में डाल के बताना मुझे, ठीक है। चलिए मैं ये बता देती हूँ, ये डिश का नाम है लजीज भुना चिकन। ये मेरे खुद की, ये मेरे दादी की बनाई हुई डिश है, जो आज से काफ़ी साल पुरानी डिश है। ये पिछले ज़माने में लोग यही ऐसे टाइप की ही मैरिनेशन करते थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई इसमें क्रीम नहीं डलती, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ सूखे मसाले देखिए इसमें मैंने बताए हैं। अभी जो इसका ये जो टमाटो एंड ऑनियन पेस्ट जो मैंने आपको बताया इकट्ठा पीसना है, इसको हम भूनेंगे देसी घी में, और जो देसी घी में चिकन बनता है उसका टेस्ट इज माइंड ब्लोइंग, इट्स अमेजिंग, इतना स्वाद आता है कि आप वाकई आप ये डिश को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये डिश लगी कैसी। चलिए ये मैरिनेशन हो गया, देखिए इसमें कट्स भी डले हुए हैं थोड़े थोड़े मैंने डाले थे, ठीक है। इसको मैरिनेशन करके हम इसको ज़्यादा देर नहीं, 1.5 घंटा रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मसाले की तैयार आपको जब मसाला भूनूंगी फिर बताऊँ। चलिए हम अभी जो मैंने आपको चिकन बताया है लजीज भुना हुआ चिकन, हम उसे कुकर में बनाएंगे, और हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम तब तक
इसका मसाला रेडी करते हैं। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी, 3 गरम हो गए, अभी हमारा देसी घी गरम हो गया है। अभी हम इसमें जो मैंने उसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन बचा के रखा हुआ था ये मैं डाल रही हूँ। ठीक है, कढ़ाई में हम इसको भूनेंगे हल्का सा। चलिए हल्का अदरक लहसुन हल्का सा भून लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे ये जो कश्मीरी मिर्च पाउडर मैंने आपको बताई थी, ये 1 टीस्पून के करीब। इसको सिम में ही रख डाल रहा है जो मैंने, और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर छोड़ा था मैरिनेशन के बाद, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। हल्का सा ये बस भून गया है, इसमें हम अभी डालेंगे जो हमने ये अनियन टोमेटो और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना है डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, बस इसको आपको कम से कम 15 मिनट तो ये लगेंगे भूनने में अच्छे से। इसको आपको स्लो में कभी हाई फ्लेम में आपको इसको भूनते रहना है। चलिए देखिए मसाला बड़े अच्छे से भून के तैयार है, थोड़ा घी खुला ही डलता है। अभी हम इसके अंदर जो है चिकन के पीसेस डालेंगे जो मैंने मैरिनेट किए हुए थे। चलो अभी हम इसको अच्छे से भूनते हैं। इसमें आपने पानी नहीं डालना है, इसको आपने ऐसे ही ड्राई, क्योंकि ऑलरेडी चिकन पानी छोड़ देगा तो ऑलरेडी इसको अच्छे से बस इसको तेज गैस पे भूनना है। ये लजीज भुना हुआ चिकन आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब जो मैंने बादाम सोप किए हुए थे ये, उसको मैंने ऐसे दरदरा पीस लिया है, उसको फाइन पेस्ट नहीं बनानी है आपने, बस अभी इसको जैसे आपने चिकन डाला है एक मिक्स देकर आपने इसको ऐसे डाल देना है ऊपर, थोड़ा अच्छा दरदरा टेस्ट आएगा बादाम का और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आपने भी ऐसे मिक्स कर, बस इसको आपने ऐसे ही चलाते रहना है 5 से 8 मिनट तक। उसके बाद हम इसको एक विसल बुलाएंगे एंड योर चिकन विल बी ऑलमोस्ट रेडी। चलिए हमारी लजीज भुना हुआ चिकन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी है, ये इस तरह का ऐसे कलर आएगा और देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट गल चुका है। ठीक है, ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स करना ना भूलिए, कमेंट सेक्शन में ट्राई करने के बाद चिकन मुझे कमेंट ज़रूर डालिए। ठीक है, और ये इट्स रियली अमेजिंग टेस्ट, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू, बाय।